Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good afternoon to all my friends, delegates. Mere ustad bhi hai yahan par jo ke bahut hi precious hai mere liye, Dr Ahsan Faroqui sir, jinke hi ilm ke sahare maine jama ki chand nuqat ko seekha hai, aur hamare zakir hussain दुआओं का गुलदस्ता पेश करता हूँ, और सारे मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी उनकी भी बारगाह में दुआओं का गुलदस्ता पेश करता हूँ। कबूल फरमाइए। देखिए, मेरा टॉपिक कोई किसी ऐसे सिस्टम से रिलेटेड नहीं है जो कि हम नहीं जानते। मैं बस ये बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया, और ये इल्म यूनानी जिसे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से यूनान, ग्रीस, सारी दुनिया जानती है और मानती है, और हम लोगों ने भी इसका बेहतरीन फायदा उठाया है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फर्स्ट रो में हमारे बड़े बड़े हकीम साहब भी हैं, टीचर्स भी हैं, जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, हमारा सोच और विचार उस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, यकीनन मौत भी देगा जरूर। हर इंसान को मौत का मजा भी चखना है। वैसे तो दुनिया का मजा, जिंदगी का मजा चख रहे हैं आप। कौम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है सबसे पहले, उसके बाद आप सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन को इम्प्रोवाइज करें, एमरजेंसी मेडिसिन का भी आप इस्तेफादा उठाए, रेजिमेंटल थेरेपी का भी आप इस्तेफादा उठाए। कंक्लूजन पर मैं आता हूँ, चंद मिनट पर मेरी बात को गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जब हम आप और घर जाएंगे, रिस्क हलाल की तलाश में जाएंगे, तो आज हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो एक पुरपतन दौर दुनिया में जी रहे हैं, तो इस दुनिया को सामना करने का अल्लाह ताला ने और हमारे उस्ताद इकराम सारे हिंदुस्तान से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, हर यूनानी मेडिकल कॉलेज में आपको इल्म देते हुए आए हैं, और इंशाअल्लाह देते रहेंगे जब तक ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिंदा है और जिंदा रहेगा। हुकूमतें हिंदुस्तान ने भी इस पर बहुत ही जोर से चर्चा किया है और बहुत ही जोर से आवाज उठाई है, और सारे देश से, सारी दुनिया से सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन और सिस्टम ऑफ नेचुरल मेडिसिन को एक इंटरेस्ट की निगाह से देखा जा रहा है। इसलिए कि आप लोगों ने देखा, मैडम ने कहा कि पीसीओडीज पर कितना दबाव पड़ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज पर कितना दबाव पड़ रहा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ऐसे न जाने कितने साइकियाट्रिक डिजीज हैं जिन पर यूनानी सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन दबदबा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे नौजवान डॉक्टर्स जो इल्म यूनानी पढ़कर एलोपैथी सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हिजामा को टॉम, डिक एंड हैरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूं कि वो इस सिस्टम को एक कानूनियत के तौर पर, सिस्टमैटिक तौर पर, एक साइंटिफिक मैनर पर, एक उरूज और बुलंदी की निगाह से देखकर अपने आप को अल्लाह की बारगाह में साबित और हाजिर देखकर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चाइना जो आप सुनते हैं, देखते हैं, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पीपल। रशियन फेडरेशन भी आप देखे हैं, आप वर्ल्ड मैप का नक्शा उठाकर देखिए, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, सारे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशियन फेडरेशन, ये दो कंट्री बहुत बड़े हैं। ये आप वर्ल्ड मैप पर उठाकर देखिए, रशिया एशिया को भी मिलता है और यूरोपियन कंट्रीज को भी मिलता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ग्रीस से उभरता हुआ, रोम, इटली, यूरोपियन कंट्रीज और रशियन और एशियन कंट्रीज तक आ पहुंचा,
और गल्फ कंट्रीज के बाद हिंदुस्तान को आ पहुंचा, तो आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप उठाकर देखिए कि ग्रीस कहाँ है, ग्रीस का एवोल्यूशन ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ से कहाँ आ पहुंचा। बस आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे अपने सिस्टम को एक सच्ची निगाह से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत सारे फायदे हैं। मैं खुद हिजामा कपिंग थेरेपी के ऊपर बहुत सारा काम कर चुका हूँ। 3-4 साल से हमने बैंगलोर में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस नखात किए हैं। इसका सबूत हमारे HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन सर हैं, यहाँ पर सबूत हैं वो एविडेंस के तौर पर। फारूक सर भी रिसेंटली बैंगलोर सिटी में आए थे, उन्होंने भी सारे बच्चों को यूनानी मेडिसिन की तालीमात को अपने सामने रखा, हिजामा की तालीमात को अपने सामने रखा। हिजामा एक सिस्टम ऑफ एक हिस्सा है, जैसे सत्यानंद ने कहा एक वाटर बॉडी ओशन का यूनानी का एक हिस्सा है, तो इसको आप यूटिलाइज इस तरह कीजिए ताकि वो आपको भी फायदा हो, आपने सिस्टम को। जैसे आयशा मैम ने बताया था कि हिजामा करने से आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी, हिजामा के साथ तो आपको डाइट थेरेपी इलाज के गुजार को भी इस्तेमाल करना चाहिए और यूनानी सिस्टम को भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इसको सिस्टमैटिक तौर पर कीजिए, क्योंकि हम जी रहे हैं ये दुनिया में हर जगह CCTV लगा हुआ है, हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं, कोई आपको विजिलेंस के तौर पर ना देखकर कोई भी आपको अरेस्ट कर सकता है। आई एम वेरी फ्रैंक, ये हमारा घर है, ये यूनानी मेडिसिन का घर है। जब आप बाहर जाएंगे तो आपकी निगाह एलोपैथी डॉक्टर्स भी रख सकते हैं, हर कोई आदमी आपसे जलने वाला भी हो सकता है, कोई ना कोई आप पर विजिलेंस कर रहा है। यू डोंट नो हु इज वॉचिंग यू, आई एम राइट सर, यू डोंट नो हु इज वॉचिंग यू, हु इज नॉट वॉचिंग यू। तो आप अल्लाह को जाहिर और नाजिर रख के अपने आप को सच मानकर आप यूनानी सिस्टम को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ऐसा नहीं कि जाओ जाते ही यूनानी कर दो, ऐसा नहीं है, इसका एक तरीका होता है। आप अपने उस्तादों से सीखिए, आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे रेवोल्यूशनराइज वीडियो हैं जो आपको रेवोल्यूशनराइज बना देंगे। तो ऐसे वीडियो देखिए, अतिबा हजरात की वीडियोस को देखिए, समझिए। इल्म को किसी को देने से पहले सबसे पहले हमको समझना चाहिए, उसके बाद आप इल्म को बांट सकते हैं, इल्म का सही फायदा लीजिए। जितने भी मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, क्रिश्चियन डॉक्टर्स हैं, जो भी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड के डॉक्टर्स हैं हमारे सिस्टम में हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग वेल इन एलोपैथिक मेडिसिन, आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू रेज योर हैंड टुवर्ड्स द सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन व्हिच इज आवर मदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन व्हिच इज जो हमें रिस्क हलाल की तरफ ले जाएगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई कंक्लूड माई टॉक। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद, सबसे पहले आपको अपने इल्म से बुलंद करना चाहिए। जब तकदीर खुद पूछेगी आपको बता तेरी रजा क्या है, खुद ही को अल्लामा इकबाल का, हजरत अल्लामा इकबाल का एक बहुत प्यारा शेर है, मैंने एक ही बार सुना था, मेरे दिल में और दिमाग में बैठ गया है, खुद ही को कर बुलंद।